काम कर दिया। वो तो सिस्टम व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, न पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है, जुडिशरी कुछ कर रही है, वरना सरकार तो पक्षपाती है। दिल्ली पुलिस आराम आराम से चलिए, प्लीज कोई धक्का मुक्की ना हो। मंडी हाउस पर मौजूद हैं और यहाँ पर शरद यादव जी हमारे साथ हैं। शरद सर, क्या वजह है कि आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे? ये बात देश के लोकतंत्र में कलंक है, देश के लोकतंत्र में ये जो दिल्ली में हुआ है वो एक तरह से लोकतंत्र की के माथे पर कलंक है। 70 बरस में कभी ये जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे वो आपकी जामिया, कभी 70 बरस में नकाबपोश गुंडे राड और हथियार हाकी लेकर के घुसे हो, ये इतिहास में नहीं हुआ। और ये आंदोलन जो है वो एक तरह से देश को दिशा देने का काम करेगा। इसमें मजदूर भी उसी तरह पिस रहा है, इसमें किसान भी उसी तरह पिस रहा है। कल मजदूरों का हुआ था और आगे चल के किसानों का। लगातार राष्ट्रवाद का ढोल पीटने वाली पार्टी और संगठन इस पर खामोश क्यों बैठे हुए हैं? हमने कराया है, उन्हीं लोगों ने ये कराया, उनके ही संगठन है जिन्होंने कराया है, वो क्यों बोलेंगे? वो तो हमने अपना काम कर दिया। वो तो सिस्टम व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है, जुडिशरी कुछ कर रही है, वरना सरकार तो पक्षपाती है। दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है और उसी के अनुसार काम करती है, लेकिन हम देख रहे हैं जो जेएनयू में घटना घटी उसमें पुलिस कर्मियों का भी लगातार जो बराबर का हाथ बताया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस वहाँ बहुत पूरी तरह से उसकी जानकारी में सब हुआ, सारे आपके जो चैनल हैं, आपके जो मीडिया है उसमें बताया जा रहा है, वहाँ उनकी प्रेजेंस में ये सब होते रहा। वाइस चांसलर के मौजूद होते हुए भी जेएनयू में इस तरह की घटना घटी, लेकिन सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा, आखिर क्यों? मैं कह चुका हूँ, अब इसके बाद क्या कहूँगा सर? अभी ऐसे माहौल पे देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? पूरा देश तो आपको मालूम है कौन सा विश्वविद्यालय है, जो नौजवान तो पूरा देश भर का आगे है। कल जो हुआ है वो पूरा मजदूर सबसे आगे है। अब आज 2-4 दिन में आपको किसान सबका सब पूरे देश का आखिरी है यार, सड़क पर होगा, तो कौन है ये? जब तीनों लोग ये खड़े हो जाएंगे तो देश तो हो गया खड़ा। और आज सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी इसमें खड़े हैं, हम लोग सब आए हैं, ये पार्टी का मामला नहीं है, ये लोकतंत्र को इसके पीछे है। पूरी तरह से उस पर कलंक है और ये चाहते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है वो बेस्ट प्रीमियर है, वो सबसे ज़्यादा जागरूक लोगों की यूनिवर्सिटी है,
तो ये तो मंद बुद्धि लोग हैं, ये चाहते हैं उसको बंद कर, ये तो पत्थर युग के लोग हैं, इसमें कोई भी अच्छी चीज़ कोई प्रोग्रेसिव कहीं चले ये पर बर्दाश्त नहीं करती। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपने राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे।